मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो कॉस्टिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर कॉस्टिंग समझनी है तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा आपको। कॉन्सेप्ट है रेलेवेंट कॉस्ट। कई लोग इसे रेलेवेंट कॉस्टिंग भी वर्ड यूज करते हैं। लेकिन हम बोलेंगे रेलेवेंट कॉस्ट। एक काम करते हैं, ये जो रेलेवेंट कॉस्ट है इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। रेलेवेंट प्लस कॉस्ट। अब बताइए रेलेवेंट क्या होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है रिलेटेड। जैसे आपको भूख लगी है और आपने मेरे से पूछा, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में आपने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर डिश की क्या रेट है, ठीक है, और वो जो शॉपकीपर है वो आपको टेलीविजन या फ्रिज के रेट बताने लगे, तो वो रेट आपके लिए रेलेवेंट है? नहीं, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमें यह समझना है कि हमारे जो हम जिस चीज के लिए ये रेलेवेंट कॉस्ट एनालाइज कर रहे हैं, मतलब जिस डिसीजन के लिए हम रेलेवेंट कॉस्ट एनालाइज कर रहे हैं वो डिसीजन क्या है। तो ऐसी कॉस्ट जो रेलेवेंट है फॉर डिसीजन, ऐसी कॉस्ट जो रेलेवेंट है फॉर डिसीजन। अब जो रेलेवेंट नहीं है उसके लिए क्या बात करनी? तो रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट रेलेवेंट फॉर डिसीजन। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आज आपने डिसाइड किया कि मुझे सीए ज्वाइन करना है, तो आपने कहा कि मैंने सीए कोर्स करना है, तो अब सीए इंस्टीट्यूट गए, आपने फॉर्म भरा और फॉर्म की जो फीस है वो जमा कर दी, तो क्या इतनी ही कॉस्ट आपकी सीए इंस्टीट्यूट से रेलेवेंट है, मतलब सीए करने से रेलेवेंट है? नहीं, आप जो कोचिंग लेंगे वो कॉस्ट भी इसी डिसीजन की पार्ट है। आप जो आने जाने का आपका टाइम या कन्वेंस लगेगा वो कॉस्ट भी इसी डिसीजन का पार्ट है। तो आपने ये देखना होगा कि मेरे लिए इस डिसीजन को लेने पर मेरी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी एकदम से नहीं आएगा, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से ही एक पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सपोज आई विश टू बाय वन पेन, एक पेन खरीदना चाहता हूं मैं। इट इज अवेलेबल एट शॉप नंबर वन फॉर रुपीज 10,
शॉप नंबर टू फॉर रुपीज 10 एंड शॉप नंबर थ्री फॉर रुपीज 10। तीनों जगह ये 10 रुपए में मिल रहा है। अब मेरा डिसीजन ये है कि फ्रॉम विच शॉप आई शुड बाय। मेरा डिसीजन यह है कि फ्रॉम विच शॉप आई शुड बाय द पेन। आप क्या बोलोगे सर? सर किसी शॉप से ले लो, उसमें की फर्क पड़ा, 10 रुपए का पेन है, कहीं से भी ले लो, यही बोलोगे आप? आप कहोगे एनी शॉप एज price is same for all shop, यही बोलोगे आप? So decision for chosen to shop is इररेलेवेंट। कि शॉप कौन सी शॉप से ले, ये डिसीजन इररेलेवेंट है। अब मैं कहता हूं कि ये 10 रुपए की जगह सर यहां 10 रुपए में है, यहां 11 रुपए में है और यहां 12 में है। अब आप क्या बोलोगे? अब आप इमीडिएटली बोलोगे जो बी केस में आप कहोगे सर शॉप नंबर 1, यही बोलोगे? तो आपने ये जो एक सेकंड में डिसीजन लिया, क्यों? क्योंकि आप कंपेयर कर पाए कि तीनों अल्टरनेटिव में डिफरेंस था और जो सबसे कम है वो मेरा डिसीजन है, यही कंपेयर किया हमने। सो कॉस्ट शुड बी डिफरेंट इन ईच अल्टरनेटिव्स। For या फॉर की जगह बोले टू क्लासिफाई एज रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट होने के लिए कॉस्ट को हर अल्टरनेटिव में डिफरेंट होना चाहिए। तो इस केस में ये हमारी रेलेवेंट है और ये प्राइस इररेलेवेंट है। बात समझ गए? क्योंकि ये तीनों में 10 रुपए है तो प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी शॉप से ले लो। और इसमें तीनों में अलग अलग है तो प्राइस आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर? चलिए सो cost should
शुड बी इनकर्ड, नहीं नहीं कॉस्ट शुड बी इनकर्ड नहीं बोलेंगे, इसको थोड़ा सा और तरीके से करेंगे। अब इसको फाइनली डेफिनेशन देंगे। सो रेलेवेंट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन ऑफ द डिसीजन मेकर और दैट इज द कॉस्ट विच हेल्प टू टेक डिसीजन। ठीक है, नेक्स्ट पैरा से लिखेंगे, इन ऑर्डर टू क्लासिफाई कॉस्ट एज रेलेवेंट कॉस्ट, it must be number one a future cost, number two different in each alter नेटिव्स। दो चीजें होनी चाहिए, डिफरेंस इन ईच अल्टरनेटिव्स, हर अल्टरनेटिव में डिफरेंट होना चाहिए। ओके, अभी शुरुआत हुई है कॉन्सेप्ट्स की, तो और धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं, आप सपोज करिए एक एक्स वाई जेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। एक्स वाई जेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मिस्टर राम इज वर्किंग एज सुपरवाइजर एट ए मंथली सैलरी ऑफ 10,000। मिस्टर राम इज टेकिंग केयर या सुपरवाइजिंग 10,000 लक्ष्मी नगर की साइट को मिस्टर राम सुपरवाइज कर रहे हैं। ये एक हमने केस बनाया है। नाउ एक्स वाई जेड गेट एन
एडिशनल ऑर्डर इन लक्ष्मी नगर। एक्स वाई जेड को एक नया ऑर्डर मिला लक्ष्मी नगर में। ही आस्क्ड मिस्टर राम टू सुपरवाइज द न्यू ऑर्डर ऑल्सो। कहने का मतलब है कि सपोज करो आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, आपको लक्ष्मी नगर में एक ऑर्डर मिला और वहां एक सुपरवाइजर ऑलरेडी काम कर रहा है लक्ष्मी नगर में। आपने कहा भाई ये तुम सुपरवाइजर कर सुपरवाइज कर ही रहे इस साइट का, ये वाली भी साइट कर लेना। अब यहाँ दो ऑप्शन है, राम कहे कि भाई साहब इसी साइट पर मेरा दिन निकल जाता है और अब आप नया काम पकड़ा दिया मेरे को, ये कह सकता है ना। तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैनेजमेंट कहे कि सर ऐसा करो तुम्हारी 10,000 सैलरी है, तुम उस साइट को देखा करो, तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये और दे दूंगा, ठीक है, तुम बीच बीच में जाके देखाया करो। तो मिस्टर राम ने कहा चलो ठीक है। तो अब इस नए काम में सुपरवाइजर की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 5,000। दूसरे केस में सपोज करो मिस्टर राम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं सर, मैं यहां आता ही हूं देख लूंगा, तो यानी कि पहले भी 10,000 ले रहे थे, अभी भी ले रहे थे। तो इस नए काम में जो एडिशनल ऑर्डर है उसमें सुपरवाइजर की कॉस्ट क्या है? कोई नहीं। क्लियर? चलो एग्जांपल से समझाते हैं। केस वन, मिस्टर राम डिमांड एक्स्ट्रा सैलरी ऑफ 5,000 फॉर न्यू ऑर्डर। केस टू, मिस्टर राम एक्सेप्ट द एक्सेप्ट टू सुपरवाइज the new site at same salary में वो तैयार हो गए करने के लिए, ठीक है। सेम सैलरी में वो तैयार हो गए करने के लिए, तो ये केस वन है और ये केस टू है। केस वन में प्रेजेंट सैलरी कितनी है? 10,000 और विद न्यू साइट भी सैलरी कितनी है? 10,000। सो देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये केस टू बना दो, ये केस वन है। देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर सुपरवाइजर of new site, so relevant cost of supervisor
ये कितनी होगी, नील होगी। अब यहां पर आ जाए, प्रेजेंट सैलरी ये सब 10,000 है, और अगर नई साइट को कर देते हैं तो सर 15,000 है। इसका मतलब क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर फॉर न्यू साइट कितनी आ जाएगी, 5,000। आपको क्लियर हो रहा है? हमने उस सुपरवाइजर से जब कहा, एक तो वो मान गया तो कोई बात नहीं, तो नए नई साइट के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना। दूसरे केस में वो नहीं माना, उसने कहा नहीं मुझे तो पैसे चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसा हमें इनकर्ड करना पड़ा किसके लिए, उस सुपरवाइजर के लिए, वो हमारी उस नई साइट की डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा ना, तब तक कराते रहना पड़ेगा। सपोज करिए आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और 11th एंड 12th की क्लास लेते हैं अकाउंटेंसी की। 11th एंड 12th की जो फीस है वो 10,000 रुपये है अकाउंटेंसी की। आप 10,000 रुपये देते हैं, 11th 12th की फीस करते हैं। अब आपने कहा सर मुझे सीपीटी की भी क्लासेस लेनी है। वो इंस्टीट्यूट अगर सीपीटी के लिए अलग से फीस लेता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो सीपीटी के लिए जो आप क्लासेस के लिए डिसीजन के लिए वो आपकी जो एक्स्ट्रा पैसे देने वो आपके रेलेवेंट है। और सपोज करिए वो इंस्टीट्यूट कहता है कि ठीक है आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, आप ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही ले लो। तो सीपीटी की अकाउंट्स की क्लासेस के लिए आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, नील, क्योंकि आपने कुछ पैसा ही नहीं दिया। ठीक है ना, सपोज करिए 11th प्लस 12th की अकाउंट की क्लास की फीस है, सपोज करिए 10,000 रुपीज। ठीक है, अब केस वन क्या है, इंस्टीट्यूट डिमांड करता है एडिशनल फी ऑफ 5,000 फॉर सीपीटी अकाउंट, और दूसरा कहता है नो फी। तो रेलेवेंट कॉस्ट फॉर सीपीटी अकाउंट क्लास केस ए में कितनी रहेगी, 5,000, और केस बी में क्या रहेगी, नील, क्योंकि आपने कोई पैसा इनकर्ड ही नहीं किया। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट कॉस्ट मैंने बताया फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए, वो कॉस्ट जो बात आपने इनकर्ड करनी है, और हर ऑप्शन में ये डिफरेंट होने चाहिए। अगर हर ऑप्शन में वो सेम है तो वो फिर इररेलेवेंट है। ठीक है, ऑप्शन चूज करने के लिए अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे,
संक कॉस्ट। जानते हैं संक कॉस्ट क्या होती है? चलिए भी बताते हैं थोड़ी देर में।